के जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है वो इंडिया के वो C N N को इंटरव्यू दे रहे थे वो कह रहे थे कि भाई ये हमारे लिए एक मॉरल ड्यूटी है कि हम अपना लोगों को ऑयल दें वेस्ट ये कहता है अमेरिकन्स ये कहते हैं कि बेसिकली आप जो है ये ज्यादती कर रहे हैं इंडिया से खबर आई है कि जो कि C N N कि एक रिपोर्टर ने इंडिया के ऑयल मिनिस्टर से उनका इंटरव्यू लिया इंटरव्यू के दौरान कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया से ऑयल कैसे बाई कर सकते हैं और आपका कितना प्लान है आगे रशिया के साथ ट्रेड करने का अमेरिका के मना करने के बाद भी तो क्या कि ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क है हम जिससे चाहे मर्जी ट्रेड करें हम पाकिस्तान नहीं है कि जो कि आप जिस पर कहेंगे कि सेंशन लग गए तो हम लगा के बैठेंगे हम एक आज़ाद कौम है हम जिससे मर्जी ट्रेड करेंगे और जिससे मर्जी हमारा दिल करेगा हम नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं है और आप ना कुछ हमें कह सकते हैं तो हिंद दोस्तों पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत सीएनएन ने भारत के ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने और इंडियन मिनिस्टर को बहुत सारे तीखे सवाल पूछे जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या भारत रशिया से भारी मात्रा पर ऑयल खरीदकर रशियन यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा है जहां पर इंडियन मिनिस्टर ने उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए यह कहा कि भारत रशिया से 0.02 परसेंट ऑयल ही खरीदता है जितना तो यूरोपियन देश एक दिन में खरीद लेते हैं रशिया से वहीं पर कोई भी देश आज भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता कि किसी देश के साथ वो ट्रेड करे या किसी देश के साथ ट्रेड नहीं करे ये भारत का इंटरेस्ट है और भारत अपने सारे निर्णय अपने अवाम के लिए ही लेगा जिससे भारत के अवाम को फायदा पहुँचे उस देश से भारत ट्रेड करेगा और उनके साथ अपनी ट्रेड डील्स आगे बढ़ाएगा भारत किसी देश को खुश करने के लिए अपने निर्णय नहीं लेता वो निर्णय अपने आवाम के हित में लेता है और अब मीडिया ने उनको रशियन ऑयल के ऊपर सवाल करना बंद कर देना चाहिए भारत हमेशा अपने आवाम के बारे में सोचता है और वो सोचते रहेगा ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे धन्यवाद भारत के जो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के हरदीप सिंह पुरी उन्होंने सी एन एन की जर्नलिस्ट को जिस तरह किया और कहा कि भाई तुम जो है ना वो मैं तुम्हें ठीक करके दू हम 0.2 परसेंट जो है वो अपनी आ, टोटल जो ऑयल रशिया से इंपोर्ट करते हैं और आ, बेसिकली तो अमूमन इंटरनेशनल मीडिया की आदत होता है डेवलपिंग कंट्रीज को स्नब करता है लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने उसको किया ए, सबसे पहली तो बात है आप इंडिया को हर चीज़ से क्यों करते हैं आप पाकिस्तान देखें अभी रिसेंटली आपने उनके एफएम का जो बयान कोट किया है तो अभी रिसेंटली एक बयान जो है वो जो बाइडन ने दिया था वो हमारी सफारतकारी हमारी गवर्नमेंट की सफारतकारी ऐसी थी कि इंडिया के सॉरी अमेरिका के प्रेसिडेंट को वो बयान वापस लेना पड़ गया ट्रेड पॉलिसीज़ हर मुल्क की अपनी होती हैं पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसीज़ और इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कैसा फर्क है देखे वहाँ पे सेंशनस कोई नहीं है किसी किस्म की भी इंडिया मेड इन इंडिया एवरी थिंग आप अपने एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का फ़र्क देख लें आप आपने कितने टैक्सेस और ये जो गुजशत गवर्नमेंट गुजरती है नाम नहा तब्दीली है सरकार तबाही है पाकिस्तान वो उसने क्या किया वो बस वो जबानी जमा खर्च में आपका मुल्क कहाँ था आपके रिजर्व्स क्या थे और अब क्या है उन्होंने क्या तबाही मचाई और उस वक्त गुजशत तीन सालों में आप बिल्कुल सफारती तौर पर तो आपको पता ही है आप ज़्यादा मुझसे बेहतर इसको तजिया कर सकते हैं कि सफारती तौर पर आपका मुल्क बिल्कुल अकेला हो गया था अभी हमारे एफ़ एम साहब जो है बिलावल भट्टो साहब वो ईरान गए हैं आपको ईरान से तेल आ रहा है और उनके एम ओ यूज़ पर साइंस हुए हैं रशिया आपको वीट दे रहा है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा जब एकदम दम आप कहें कि दो तीन माह में गवर्नमेंट आई है और उसको आपने इतना प्रेशराइज किया हुआ था और हर चीज पे आपने एक वो झूठिया बयानिया जो है वो तश्कील दे के आपने इस मुल्क को और कौन के जहनों को इतना खराब कर दिया कि वो सच बोलना जो है वो मुश्किल हो गया और लो, लोग सच को सुनना सु, सुन ही नहीं रहे देखिए इंडिया पे ना ही कोई प्रेशर था ना है और ना होगा ये तो पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर दू इसको वाजे किया है मोदी जी ने डॉक्टर जयशंकर साहब ने और आज हरदीप सिंह पुरी साहब ने तीनों ने इसको वाजे क्लियर क्लियर कर दिया अगर प्रेशर वेशर की बात होती तो जो प्रेशर दे रहे लगा नहीं लगाई ना सेंशन देखिए जहां तक हमें तेल की बात करें हमारा पचास लाख बैरल पचास लाख बैरल दिन का कंजप्शन है, है और अगर एक बैरल पे हमारा बीस से तीस डॉलर बचता करीब तीस डॉलर बचता तीस डॉलर इंटू एक महीना इंटू तीस महीना तीस डॉलर मतलब पांच मिलियन इंटू तीस डॉलर दिन इन टू तीस महीना इन टू साल कितने सो मिलियन डॉलर के आप पैसे बचा रहे हो ऐसे टाइम्स ऑफ़ इकोनॉमी में जो वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक कंडीशन है इसलिए हमें अपना तेल कहीं से भी लेना हमने तो ईरान से भी लिया तेल और हरदीपुरी सब कहते हैं ईरान से भी लिया हमने तेल हम जहां से हमें तेल मिलेगा नाइजीरिया से भी बातें चलती नाइजीरिया से भी लेते हैं हम ईराक से भी लेते हम तेल हम यू से भी तेल लेते हैं हम कनाडा से भी तेल लेने की बात कर रहे हैं बहरीन से भी तेल लेते हैं अब से तेल आता जहां से तेल लेने की बातें हो रही है, वो लिया जाएगा क्योंकि 1.4 बिलियन का नेशनल इंटरेस्ट है उन्होंने एक वर्ड यूज किया था तो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज करनी हो वो करेंगे किसी का कोई प्रेशर वेशर नहीं है देखिए चीमा सिर नाम किसी की जंग लड़ते हैं न किसी की जंगों में पढ़ते अब अमेरिका को लड़ना है मतलब रेशियन सब कॉन्टिनेंट में बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया वो उनकी जंग है वो लड़े हमें उनकी जंग से कोई मतलब नहीं हम तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे ना हमारे इतना कंजप्शन है ऑयल ऑयल इज नंबर नंबर आइटम आइटम इन आवर एक्सपोर्ट लिस्ट लिस्ट मतलब में हमारी है उसमें हम इतना पैसा लगा रहे तो हमें देखना पड़ेगा ना कहा लग रहा है कहाँ से हमें सस्ती ऑफर मिल रही है और दूसरी चीज आप एक और चीज बताओ चीवा साहब मैंने आपको पांच छह महीने पहले जब ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी मैंने कहा था अगर आज इंडिया तेल ना ले तो तेल की कीमतें दो डॉलर बैरल पहुंच जाएंगी ये आज हरदीप सिंह पूरी साहब ने भी बोल दिया कोट एंड कोट अगर हम इतना बड़ा रशिया से रेशन ऑयल न ले और अगर चाइना भी रशिया से ऑयल न ले तो तेल की कीमतें तो 200 डॉलर पर बैरल पहुंच जाएगी तो आप जैसे लोग या बहुत सी ऐसी कंट्री जिनके लिए तो तेल डालना ही मुश्किल हो जाएगा इम्पोसिबल हो जाएगा ये तो वर्ल्ड तो के रशिया से तेल ले रहे हैं और और भी लोग और जी इधर उधर से ले रहे हैं ताकि डोमिनस ना हो आपको याद होगा सोदियों ने करीब छह महीने पहले कहा था अगले महीने जुलाई से जुलाई का यह महीना मुझे याद है जुलाई से एक रुपए बैरल एक डॉलर बैरल सॉरी और अब वो करीब नब्बे सौ में धक्के खा रहा तो अब उन्होंने उसके पीछे प्रोडक्शन प्रोडक्शन कम कर दिया नब्बे पिचानवे के आसपास आ गया था नहीं तो अस्सी पे आ गया था और यही डेढ़ साल पहले की बात करें तो बयालीस से पैंतालीस डॉलर बैरल भी आ गया था तो चीवा साहब ये तो दुनिया के लिए अच्छा मलेशिया से तेल ले रहे हैं अब जिसको तकलीफ हो रही है जिसको जिसको पेट में दर्द हो रहा तो हो हम क्या कर सकते हैं उसमें देखिए हमें अपना पैसा देखना है हमें अपने लोगों का इंटरेस्ट देखना सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट दैट इज द एजेंडा और यही पॉलिसी शुरू से रही है चीमा साहब इसमें कोई चीज़ सर जी सबसे जो मेन बात है वो हमारी स्टेबलिमेंट है और जो हमारी फौज है और जो इस वक्त नोन ली की हुकूमत आई है इमरान खान के दौर में महंगाई हुई थी दो हज़ार अठारह की नस्बत लेकिन अभी जो सुनैरियो चल रहा है आफ्टर तकरीबन आप मार्केटें भी देख लें ये सारी वेरान मार्केट पर ही है तो चार पाँच मंथ हो गए हैं कि बिज़नेस बंद हो गए बेसिक जो आपने पूछा है कि इंडिया अमेरिका से हम इधर से रशिया वगैरह से तेल हम क्यों नहीं लेते इसमें बेसिक रीज़न यही है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे जर्नल जिनके वहाँ पर अमेरिका में प्लाट वगैरह हैं सारा कुछ है उन उनका ही जो सारा सीन चलता है ना वो ही और उसके बाद जो शबाज शरीफ लोग हैं